पार्ट टू उसी प्रीवियस ब्लॉग का कंटिन्यूएशन है और अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ब्रेड पिज्ज़ा। ब्रेड पिज्ज़ा एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े की है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो अब इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पे हमने सारे अच्छे से प्लेस करके रख लिए। हमें चाहिए है मशरूम्स, ऑलिव्स, चिकन चंक्स, ये कैनन्स के लिए आप तो कोई भी चिकन ले सकते हैं। हमने इनको माइक्रोवेव कर लिए। ये अनियन है और ये है कैप्सिकम। पिज्जा सॉस, ब्लू बैंड का बटर, चीज चाहिए, दोनों चेडर और मोजरेला और छोटी वाली ब्रेड। अब हम करने वाले हैं कैसरोल्स, आप लेंगे उनके ऊपर आप सारी प्लेसमेंट करेंगे। अब हम करने वाले हैं इनको अच्छे से प्लेस। अच्छा जी, सबसे पहले आपने कैसरोल को बटर करना है। हम लोग ब्रेड ही यूज कर रहे हैं बटर करने के लिए, ताकि ऑनेस्टली हमें ब्रश नहीं मिल रहा था इसलिए हम ब्रेड ही यूज कर रहे हैं। और हाँ, ब्रेड खा भी लेगा कोई, बटर ही लग रहा है इसके ऊपर। पीके कई तो जो स्लाइसेस हैं उनको रख दो, प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, हम किनारे इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत छोटी ब्रेड है, तो और मजीद छोटी हो जाएगी यहाँ पे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं डिपेट का पिज्जा सॉस, जो अच्छे से यही यूज करिएगा। स्प्रेड कर देंगे, दिखा भी दो डिपेट का सॉस, ये रहा, तो अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अच्छा जी, तो पिज्जा सॉस हमने अच्छे से लगा लिया है, जितना मर्जी आप लगाएं। अब हम डाल रहे हैं इसमें अनियन, अब इसमें डाल रहे हैं हम कैप्सिकम। इसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे मशरूम, जो कि मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया। अच्छा जी, तो मैंने इस पे जो है चेडर और मोज़रेला चीज डाल दी है। मैंने ये वाली यूज करी है दोनों चीज, एंड अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ऑलिव्स। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने एंड में क्या डाला है, ओरिगानो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए हैं, और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसको बेक। तो गाइज, ये थी आज की रेसिपी ब्रेड पिज्जा की, बहुत ही मजे की रेसिपी होती है, जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ये बनाएं तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, मैं रीशेयर करूंगी। बाय।